गुड मॉर्निंग 8th क्लास, हम कर रहे हैं पाठ 4 दीवानों की हस्ती। इसके जो है हमने पहले 4 पद्यांश कर लिए हैं, अब आगे है पद्यांश 5 है। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। प्रसंग इसका सेम ही है, इसमें लास्ट लाइन है, इस कविता में कवि ने मस्ती के आलम को दर्शाया है। व्याख्या है, कवि कहता है कि वे भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। बोला हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। बोला कवि कहता है कि वे भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। वे बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी में समान रूप से लुटाते और बांटते चल दिए हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, ला कि वे अपने दिलों पर निराशा और हताशा का भाव लिए चल पड़े हैं। वे निराशा और हताशा के रूप में असफलता को बटोरे जा रहे हैं। अगला है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रसंग इसका वही है, लास्ट लाइन जुड़ेगी एक, इस कविता में कवि ने सच्चे और अनोखे मतवालेपन का वर्णन किया है। व्याख्या है इसकी, बोला अब अपना और पराया क्या। बोला कवि कहता है कि अब इस संसार में अपना और पराया क्या है, अब मेरा तेरा वाली भावना पूर्णता समाप्त हो चुकी है। कभी अब जग में रहने और रुकने वाले लोगों को खुश रहने की बात कहता है। अब कवि की विरोधाभास नीति का पता चलता है। वह कहता है कि वह खुद ही किसी बंधन में बंधे थे, लेकिन अब खुद हम अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़े हैं। तो इसको राइट करना है, ये 2 पद्यांश किए हैं आज हमने, इसको राइट करना है और लर्न करना है। तो प्रश्न उत्तर हैं, वो कल करवाऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस।